देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धर्मेंद्र की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई कान ढूंढने के इरादे से आए थे। 1960 में अर्जुन टिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया और दुल्हन एक रात की मैं काम किया है और माला सिंह के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें फिर आएंगी मैं काम किया है और नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी और आए मिलन की बेला और मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा और फूल और पत्थर मैं काम किया है। धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय हैं। 2004 में जनरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थी। सांसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम सांसद जाते थे क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।